नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC न्यूज की हिंदी बुलेटिन। देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। मध्य प्रदेश के बालाघाट से छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जाते समय गोंदिया जिले के आमगांव तालुका के अंजोरा में रात के समय चार पहिया वाहन चालक ने सड़क पर नियंत्रण खो दिया और कार खेत में जा घुसी, जिससे एक हादसा हो गया। हादसे में डोंगरगढ़ निवासी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे बाहर निकाला गया। और शराब की बदबू आने पर जब कार का निरीक्षण किया गया तो उसमें से गोवा विस्की की 402 कांच की बोतलें प्राप्त हुई। वहीं ड्राइवर को इलाज के लिए आमगांव ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है और शराब और वाहन को पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपी के खिलाफ आमगांव पुलिस में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। एक गाड़ी पट्टी झालेली आहे, त्या अनुषंगाने पोलीस अधिकारी PSI खेडकर आणि इतर स्टाफनी रवाना केला होता। तिथे गेल्यानंतर एक जखमी गाडीतील एक वाहनचालक निघून गेलेला होता आणि एक जखमी गाडीमध्ये होता, त्याला गाडीमध्ये काढून ग्रामीण रुग्णालय आमगाव येथे पाठवण्यात आला। त्यानंतर गाडीचा तिथे दारूचा वास येत असल्यामुळे गाडीची पाहणी केली असता गाडीमध्ये 402 गोवा विस्कीचे बॉटल मिळून आलेले आहेत। त्याच्या अनुषंगाने आपण कारवाई केलेली आहे। एकूण 44,220 रुपयाचे दारू आणि 50,000 रुपयाचे स्विफ्ट कार असे दोन्ही जप्त करण्यात आलेले आहे। आरोपी हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज झाल्यानंतर त्याच्यावर पुढील कारवाई करण्यात आली। ब्युरो रिपोर्ट PCN न्यूज। हिंगनघाट रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण और विस्तार रविवार 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुभ हाथ हुआ। डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वक्त उन्होंने सभी को संबोधित किया। इस वक्त बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। इस वक्त क्षेत्र विधायक समीर कुनावार के साथ माजी सांसद सुरेश वाघमारे एवं माजी नगर अध्यक्ष प्रेम बसंतारा, इनके साथ अनेक गणमान्य व्यक्तियों के साथ रेलवे प्रशासक के सुभेश वर्मा CDO मध्य रेलवे नागपुर उपस्थित थे। इस वक्त बड़े प्रमाण में नागरिक भी उपस्थित रहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी द्वारा वर्धा जिले के 3 रेलवे स्टेशनों का विस्तार और सौंदर्यीकरण अमृत भारत योजना के रहते आज हुआ। इसका शिलान्यास डिजिटल प्रणाली द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस वक्त केंद्रीय रेलवे मंत्री इन्होंने संबोधन किया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल शिलान्यास किया और इस वक्त इस शिलान्यास के वक्त डिजिटल संबोधन भी किया गया। इस विस्तार में हिंगनघाट शहर के रेलवे स्टेशन के लिए 23,72,00,000 रुपए की निधि प्राप्त हुई है। इस परिपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन रेलवे प्रशासन द्वारा शानदार तरीके से किया गया था। NBC न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि नूरकर की रिपोर्ट। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के 3 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है, जिसमें चंद्रपुर, बलाशा और चांदा फोर्ट स्टेशन को नया रूप दिया जाने वाला है। तीनों रेलवे स्टेशनों पर कार्यक्रम की जोरदार तैयारी की गई थी। बलाशा रेलवे स्टेशन पर महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो चंद्रपुर रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। रेलवे स्टेशनों के सर्वांगीण विकास के लिए रेल मंत्रालय की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना ABBS में चयनित देश भर के 508 स्टेशनों में मध्य रेलवे जोन मुंबई जोन के 76 स्टेशन है, जिसमें नागपुर रेल मंडल के 15 स्टेशनों का शुमार किया गया है। मध्य रेल जोन में नागपुर रेल डिवीजन के चंद्रपुर जिले में चंद्रपुर और बल्लाशाह स्टेशन तथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के चांदा फोर्ट स्टेशन शामिल किए गए हैं। बल्लाशाह रेलवे स्टेशन में 34 करोड़, चंद्रपुर रेलवे स्टेशन में 28 करोड़ तथा चांदा फोर्ट में 25 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्य को अंजाम दिया जाएगा। इन तीनों स्टेशनों में एक्सेलेटर, स्लोप, फुट ओवर ब्रिज, प्लेटफॉर्म शेल्टर, मुख्य द्वार, पार्किंग एरिया, लिफ्ट, शौचालय, प्रतीक्षालय, बागीचा सौंदर्यीकरण आदि विकास कार्य किए जाएंगे। इस अमृत भारत स्टेशन योजना में उन्होंने इस जगह की 3 स्टेशन के पुनर्विकास का निर्णय किया और आज उसका भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ हाथों से होने वाला है। NBC न्यूज के लिए चंद्रपुर से सुनील ताड़े की रिपोर्ट। चंद्रपुर के कलेक्टर परिसर में प्रशासनिक भवन की तीसरी मंजिल पर आग लग गई। इस मंजिल पर सहायक आयुक्त खाद और औषधि प्रशासन का कार्यालय है। विभाग द्वारा जब्त की गई फाइलें, फर्नीचर और सामान आग की चपेट में आ गए। प्रारंभिक अनुमान है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी होगी।
चंद्रपुर के कलेक्टर परिसर में प्रशासनिक भवन की तीसरी मंजिल पर आग लग गई है। इस मंजिल पर सहायक आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन का कार्यालय है। आग सुबह 5:30 बजे के बीच लगी। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कार्रवाई के दौरान विभाग द्वारा जब्त की गई कार्यालय फाइलें, फर्नीचर और सामान आग में नष्ट हो गए। शुरुआती आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। चंद्रपुर येथे आग लागलेली आहे। जसं कॉल आला आहे त्यानुसार आम्ही येऊन इथे हजर झालो आहे आणि सेकंड फ्लोअरला अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचं जे ऑफिस आहे रेकॉर्ड रूम त्याला फायर लागलेली आहे आणि 4 फायर टेंडर उपस्थित असून चारही बाजूने इमारतीच्या खिडक्यांमधून डोअरमधून आणि प्रत्यक्ष स्पॉटवर आग जिथे आहे तिथे लाईन टाकून आग विझवण्याचे काम चालू आहे। NBC न्यूज के लिए चंद्रपुर से सुनील ताड़े की रिपोर्ट। सामने पुलिस को अवैध रूप से हो रहे गौवंश के परिवहन की गुप्त सूचना के आधार पर सामने थाना अंतर्गत खापा पाटन सावंगी रेलवे गेट के पास 5 अगस्त की सुबह किए गए नाकाबंदी के दौरान एक आयसर तथा 2 पिकअप वैन में कुल 24 भैंस तथा 1 बछड़े को बड़े ही निर्दयता से बांध कर ले जाते हुए पकड़ा गया। सावनेर पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार किए गए नाकाबंदी के दौरान आयसर क्रमांक MH40CD2420 तथा पिकअप वैन क्रमांक MP28G4289 तथा पिकअप वैन क्रमांक MH40AK4231 इन तीनों वाहनों को रोककर उनकी तलाशी लिए जाने पर तीनों वाहनों में 25 मवेशियों को बगैर चारा पानी तथा निर्दयता से बांधा पाया गया। इस संबंध में वाहन चालकों से पूछताछ करने पर टालमटोल करने से उक्त मवेशियों को अवैध रूप से बुचड़खाने ले जाए जाने का अंदेश व्यक्त कर ऐसा चालक आरोपी महेश सेवकराव यादव उम्र 46 वर्ष छिंदवाड़ा निवासी, वही सतीश सेवकराम भलावी उम्र 22 वर्ष नजरपुरा तालुका बिचवा जिला छिंदवाड़ा निवासी, वही रोशन आसाराम महापुरे उम्र 22 वर्ष बिरसानगर नागपुर को गिरफ्तार कर उनके वाहनों में लदे कुल 24 भैंस व 1 बछड़े की कीमत कुल 4,90,000 तथा तीनों वाहनों की कीमत 20 लाख ऐसे कुल 24,90,000 रुपए का मुद्दे माल जब्त कर उनके खिलाफ मुख प्राणी छल प्रतिबंधित अधिनियम 1960 धारा 11(1)(1)(a)(d)(e)(f)(i) आदि धाराओं के तहत मामला दर्ज कर हिरासत में लेकर उक्त मवेशियों को बुचड़खाने जाने से बचाकर उन्हें जीवनदान देकर उनके चारा पानी की व्यवस्था कर गौशाला रवाना किया गया। उपरोक्त कार्रवाई नागपुर जिला ग्रामीण अधीक्षक विशाल आनंद, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संदीप पखाले, सावनेर पुलिस उप विभागीय अधिकारी के मार्गदर्शन से सावनेर थानेदार रविन्द्र मानकर के नेतृत्व में, सहायक थानेदार शरद भस्मे, हवलदार सुरेंद्र वासनिक, योगेश्वर झोड़ापे, सिपाही धोंडीबार नागर गोजे आदि ने इस कार्रवाई में भाग लिया। NBC न्यूज के लिए सावनेर से संवाददाता किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। रोजाना ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज।